स्टूडेंट्स के लिए तो होती है। कल मैं हूँ छुट्टी पे और अफकोर्स कोई छुट्टी भी होता है स्कूल की तो अलग ही मज़ा होता है, अलग ही खुशी होती है उसकी। तो वही एक तरीका है, मैं भी कल छुट्टी पे हूँ। और वैसे मुझे तो आप ही पता चल गया बिकॉज क्यों हूँ छुट्टी पर मम्मी, कल हमारे स्कूल में आर्ट कॉम्पिटिशन, मुझे आर्ट में कुछ भी नहीं आता। आर्ट में जीरो होता बहुत अच्छी है, बट मेरे को आर्ट में फ्लावर बनाना भी नहीं आता है। तो बुआ के जाने के बाद, मतलब जब बुआ की शादी हो जाएगी, आई एम प्रीटी श्योर हो जाएगी, तो अध्ययन हमारा कम करेगा, इसलिए हमने अध्ययन को बचपन से आर्ट की आदत डाली है। थोड़ी बड़े हो जाएगा तो अध्ययन को मेरे बेटे को कल शाम को चोट लगी, इसलिए छुट्टी पे है क्योंकि मैंने अपने बच्चों का टेस्ट रखा है, तो ये इस वजह से छुट्टी पे। ड्रामा बुआ देखा नहीं फिर से, वंस मोर क्या बना रही हो आप? आलू फ्राई कर रही हूँ, व्रत है मेरा और दादी का ना, एकादशी का। तभी मैं कढ़ाई में घी डाली हूँ, अब दूंगी इस जीरे का तड़का, जीरे को धो दी हूँ। अच्छा, ओह लाला। और तुम लोग खाओगे पिज्जा? हाँ पिज्जा, पिज्जा हर बच्चे का प्यार। कमेंट्स में बताना किसको किसको पिज्जा पसंद है। और मम्मी क्या लगता है कौन कौन कमेंट करेगा पिज्जा के लिए? पिज्जा तो सबको पसंद है, कमेंट कोई करता है कि नहीं पता ना। तो अध्ययन की ड्राइंग देख लेते हैं। ओ वाओ, उसकी अच्छी ड्राइंग, ये तुम बनाए हो बाबू? वाओ अच्छी। अब ये धीरे धीरे फ्राई होगा। तो अद्दू के पापा पूछ रहे हैं कि पिज्जा कौन कौन खाएगा। मैं तो बहुत बीमार हूँ, पर अगर पिज्जा भैया क्या है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं मेरे से। रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, मुझे पता है मेरे भाई को बिल्कुल अच्छा लगेगा, मैं नहीं खाऊंगी तो मैं खा लूंगी, मैं किसी का दिल नहीं तोड़ सकती। लक्की तुम तो ना लाई हो, असर तो करेगी, दो दिन बाद कर देगी। लक्की तुम? मैं तो बाहर हूँ, नहीं खाएगा पिज्जा। तुम क्या खाओगे तब? ये भी मन जा रहा है, ये ताजे मार्केट जा रहा है, फिर वहां से ये लेकर आएगा खीरा और गाजर और कोई भी फ्रूट, फिर उसको कट करके सैलेड बनाएगा, मेरे को भी दे देगा, खुद भी खाएगा। यही डील हुई है अभी हमारी। फ्रूट भी ले आना है मेरे बेटे के लिए, कल स्कूल ले जाने के लिए, उसके पास नहीं है फ्रूट कोई। लकी फ्रूट भी ले आना है मेरे बेटे के लिए। हाँ ये देखो दोस्तों, ये लिमका की बोतल मंगाई मेरे लिए गई थी, मैंने सिर्फ इतनी सी पी होगी और बाकी का गाया। किसने पिया? अध्ययन। केला केला लेकर आई थी कि चलो एक दो केले खा लूंगी, स्कूल से आया केला खत्म। अच्छी बात है ना, मेरा बेटा फ्रूट खाता है, वैसे ही इतना कमजोर है। अच्छी बात है, लेकिन उसकी बुआ बीमार है, उसकी बुआ की भी हेल्थ के बारे में सोचना चाहिए था। बच्चे को नजर नहीं लगाना चाहिए। हां अद्दू, अद्दू बड़ी हो गई है इसलिए नहीं खाती है। अद्दू तो कार्ड में देख रही कब कब कौन सी शादी में जाना है। कल जाना है किसी पार्टी में अद्दू? हां कल अंशु चाचा की पार्टी में जाना है। कौन कौन को भी जाना है? कौन कौन जा रहा है कल? मुझे उन्होंने पर्सनली इनवाइट। सोनी बुआ भी आएंगी? आएगी मुझे आएगी शायद। उसकी तो बेस्ट फ्रेंड का भाई है वो, तो आपका तो आना बनता ही है। नहीं आएगी तो मैं तो उसे घर से खींच के लाएगी। नहीं आएगी ना, बहुत खत्म काम है ना। आएंगी, लड्डू भी आएंगी, लड्डू। और आजकल लड्डू ने नई बात की है, मैं नहीं खाना नहीं बोली बोली सोनी की पुच्चू चलो खाना खा लो करे मिन्नी। तो अभी टाइम होने दो, अभी बुक किया ही नहीं पापा? पता नहीं। गाय जद्दू एकदम तड़प रही है पिज्जा के लिए, मुझे भूख लग रही है। मम्मी देखो मैं दिन में सिर्फ दाल पी हूँ, उसके बाद से मैं कुछ भी नहीं खाई हूँ। चलो ठीक, अभी बोल दे रही हूँ। दूध उबल गया, बंद कर दो। यहाँ गाइज मेरा आलू अभी फ्राई हो रहा है, अभी हुआ नहीं इसको बिल्कुल एकदम। नमक थोड़ा ज्यादा डालना मेरे को भी कुछ। अरे व्रत वाला आलू में नमक कहाँ पड़ता है? मेरे में डाल दो। ऐसे ही ये मतलब मीडियम आंच पे इसको मैं देर तक फ्राई करूंगी, एकदम लाल हो जाएगा। मम्मी गाइज हमारा पिज्जा आ चुका है, यहाँ पे दो गार्लिक ब्रेड है, पास्ता मंगाया पापा ने साथ में, मेरा फेवरेट, और पिज्जा है। आज तो कम लग रहा है, पता नहीं क्यों। हाँ तो कम ही लोग हैं। कम लोग हैं। हाँ पनीर पिज्जा है और पास्ता है।
अच्छा तुम और तुम्हारे पापा और अध्ययन, मोनी बुआ तो पेट खराब है तो एक स्लाइस खाएंगी बस। अरे ये क्या है? वाओ अद्दू के तो खुशी का ठिकाना नहीं। चलो तुम लोग खाओ एंजॉय करो और मैं अपना जा रही हूँ, आलू फ्राई करी हूँ उसका भोग लगाऊंगी, इसके बाद मम्मी को दूंगी और मैं खाऊंगी। ठीक है? ये मेरे फ्राई आलू बिल्कुल क्रिस्पी से हो गए हैं और मोनी अद्दू अध्ययन और उसके पापा ये लोग खाए हैं पिज्जा, लक्की खा रहे हैं सैलड, लक्की और ये मोनी का कोल्ड ड्रिंक है और फिर अद्दू के पापा ये सब पीने खाने के बाद अब चाय भी पियेंगे। तो मोनी को आलू खाना है, अद्दू के पापा को चाय पीना है, मतलब पिज्जा खाने के बाद ये लोग ये सब खाएंगे और लक्की ले रहा है सैलड। गिर गया अद्दू, नजर लगा रही है। नहीं आई। मोनी भी ले रही है लक्की में से अपना पिज्जा, ये लोग अकेले खाए हैं, किसी से पूछे नहीं है। हम लोग उस दिन रात में आलू और खा के चाय पी के दूध जिसका मन किया वो दूध पिया और फिर सो गए। अब दूसरे दिन है दोपहर का टाइम। ये गेहूँ पहले से हम लोग धुल के रख देते हैं पिसवाने के लिए, तो जब पिसवाना होता तो थोड़ा सा धूप दिखा देते हैं। तो यहाँ दोपहर का टाइम है, धूप दिखा चुके हैं गेहूँ को हम लोग, अब इसको साफ़ कर रहे हैं, मतलब साफ़ भी है थोड़ा सा। मम्मी छन्नी से छान दे रही हैं और फिर मैं चना मिला के बोरी में रख दे रही हूँ। तो यहाँ दो घंटे के करीब मम्मी धूप दिखाई हैं, इसके बाद हम लोग यहाँ गेहूँ भर रहे हैं साफ़ करके। थोड़ा थोड़ा मम्मी छान छान के दे रही हैं और उसमें मैं बिना चना मिलाए हम लोग नहीं गेहूँ पिसवाते हैं, तो मैं चना मिला रही हूँ। चना मिलाने से आटा भी थोड़ा सा हेल्दी हो जाता है और मतलब शुगर है मम्मी को तो उसमें तो चना का रोटी खाना चाहिए, इसलिए हम लोग चना मिला के ज़रूर पिसवाते हैं गेहूँ में। सो आप लोग जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पे मम्मी आजमा रही है दादी का आइडिया, मम्मी कितना बढ़िया वाइपर रखी है और वाइपर से ही जो है गेहूँ को एक बराबर कर रही है मम्मी। फैलाती हूँ। फैला रहे हो? पहले फैलाती हूँ फिर बटोरती भी इसी से हूँ। अच्छा, इसी से फैला के इसी से बटोर देती हो? अच्छा यार, ये तो लेकिन इसके लिए एक चीज़ होनी चाहिए कि आपको वाइपर सूखा होना चाहिए। ये नया वाइपर गेहूँ फैलाने के लिए ही है। अच्छा, सूखा ही रहता है। ओके, उठा देना, ये दादी का ट्रिक है। नीचे करो यार, तू उठा ले, वहीं रख दे। यहीं फेंक दूँ? अरे जगह यहीं फेंक दे। चलो तू कहाँ रख ले? कहाँ रखूँ? रख दे नीचे। दोस्तों हम लोग गेहूँ बना के आ गए हैं, मतलब साफ करके उसको पिसवाने के लिए देना है अब शाम को। और दोपहर के ढाई बज रहे हैं ना? ढाई बज रहे हैं और अध्ययन भी स्कूल से आ गया है। अब हम लोग जा रहे हैं खाना वाना खाना खाएंगे मतलब, और अपनी वीडियो का एंड करेंगे। अद्दू यहाँ अपने टेस्ट की तैयारी कर रही है। उसका तैयारी नहीं कर रही हूँ मैं, टेस्ट दे रही हूँ मैं, आधा टेस्ट ट्यूशन में दे चुकी हूँ और दे रही है आधा मोनी, एक दो तीन चार क्वेश्चन रह रहे हैं वो मैं अभी दूंगी। हाँ, तो हमारी वीडियो अगर आप लोग को पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।